Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Bible में कितने नबी आए? सब खुदावंद को बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक नबी ऐसा था जिसको खुदावंद बहुत प्यार करता था। वो नबी था दाऊद नबी, क्योंकि वो खुदा के लिए गाता भी था। मौसीकी गायकी सबसे पहले खुदा ने, अगर खुदा को हम बयां करें तो एक राग है। हर एक चीज राग में बनी है, हर एक चीज राग में बनी है। राग में इतनी ताकत है कि हम वो हमको महसूस करा सकता है कि खुदा हमारे साथ। जब खुदावन सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी, उस वक्त कैसा था सब कुछ, कैसा था आसपास, लोग क्या सोच रहे थे। मैं शायरी के द्वारा बयान करूंगी। ये शायरी मेरे ग्रैंडफादर पास्टर ज़हीर मसीह के द्वारा उन्होंने लिखी है। Yeah.
पास भी ना कोई दोस्त है ना आशना, और इसके आस पास भी ना कोई दोस्त है ना आशना। ऐ दर्दाएं सलीब पर कौन है लटक जाता है, दुआएं देकर जाता है। क्या कह रहा है? वो सब ले रहा मेरे लटक रहा है नीम जा और सामने खड़ी है मां। लटक रहा है नीम जा और सामने खड़ी है मां और सामने खड़ी ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਪਿਆਮੀ ਸਾਹਿਬ ਰਸ਼ੀਆ ਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨਸੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਂ 300 ਸਾਲ ਸੇ ਗਾਇਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕਾ ਇੱਕ ਦਿਆ ਔਰ ਛੋਟਾ ਸਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਤੋ ਹੋਏ ਸਾਬਿਸ਼ झील किनारे आन सैन दे हुई सूर
ਜਿਹੜੇ 12 ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਦਰ 70 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ 12 ਵਾਸਤੇ ਝੀਲ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਨ ਸਜਦੇ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਦਾ ਉਥਿਆ ਉਹਦੇ ਉਦਾਸੀ ਫਰਮਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਮੁਨਾਦੀ ਕੋ ਮਾਨੁ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਨਾ ਆਪ ਬੇਟੀ ਤੇਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਮੁਸ਼ੇਰੇ ਆਦੀ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਆ ਖੁਦਾ
a little bit. मैं जब संडे स्कूल में था, जब मैं बैक होम तो मैंने सीखा था, जब मैं 11-12 साल का था, मुझे पक्का नहीं पता कि ये सेम वर्डिंग होगी अगर यीशु क्रिस्तु मारा तब नहीं नित्यम नित्यम ना है Yeah.
Pura reza,
Jesus.